क्या बट रहा है? अच्छा तुम्हारा पहले तो ये बताओ शीरा, क्या बंटवारे हो रहे हैं तुम्हारे? देखियो देखियो, ये पतोरी सी होश नहीं लेती, पता ही नहीं इसकी पेडिग्री मांग रही है। नहीं छोड़ दे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गणपति भगवान के दर्शन कर लीजिए आप। और ये देखिए किस तरह से दरबार सजाया है, मुझे तो वही बहुत सुंदर लग रहा है। और आप सब बताइएगा कमेंट करके कैसा लग रहा है। टाइम कितना हुआ? 11 बज गए ना, 11 बज चुके हैं। काम वगैरह सुबह का तो सारा निमट चुका है हमारा, और अब दोपहर का फिर से तैयार है। कपड़े कुछ धुल गए हैं, कुछ रह रहे हैं, और सुखाने की दिक्कत है क्योंकि हमारे यहाँ आ रही है रात से बारिश। और पूरी रात हो गई, मौसम में दिख नहीं रहा। नहीं मैं तो नहीं, पापा छोड़ के तो रात से हमारे यहाँ बारिश आ रही है काफी तेज, और बारिश की वजह से कपड़े वपड़े सुखाने की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कपड़े कुछ धुल गए हैं, कुछ रह रहे हैं। नाश्ते वगैरह का काम निबट चुका है, एक बार साफ सफाई भी हो चुकी है क्योंकि पूजा की वजह से पहले सबसे पहले सुबह साफ सफाई करके सब किसी काम में लगते हैं। तो नहाना धोना भी हो गया है, सबका पूजा पाठ सब हो चुकी है। और अब है दोपहर के खाने की तैयारी। तो दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी भोग के लिए आलू गोभी की सब्जी। पूरी पूरी बनाऊँ या रोटी बनाऊँ? पूरी और हलवा। दोपहर का ये भोग होगा हमारा। सुबह हमने लड्डुओं से भोग लगाया था गणपति जी को, और शाम की देखते हैं शाम में क्या बनेगा। और ये देखिए शीरो और चेरी, देखो देखो हटिए, हट जा हट जा हट जा ना, देखने दे देखो इनकी लड़ाई। और शीरो और चेरी में ओए क्या हुआ? वो वैसी कहती है अब दोस्ती हो चुकी है, तो दोनों मतलब लड़ते तो हैं लेकिन रहते साथ ही हैं, दोस्ती हो गई है अब इनमें पक्की वाली। चलिए फिर मैं करती हूँ अपना काम, कपड़े सुखा के आऊँगी सबसे पहले तो छज्जे के नीचे डाल दूंगी कपड़े, तो उनका पानी सा निचड़ जाएगा क्योंकि वॉशिंग मशीन का मेरी का ड्रायर खराब है इसलिए। तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर। बंगो ये सॉक्स उठा, यहाँ गंदी लग रही है पड़ी हुई। ये देखो चेरी ने कहाँ जगह ढूंढी है घुसने के लिए, और ये कल से जब से ये दरबार लगा है ना तब से वहीं घुस के लेटती है। शीरो आ जा, शीरो भी गया था काफी देर रहा, शीरो भी इसके अंदर, चलो आओ इधर आओ। घुस गया था उधर था कोने में, शीरो लेके आई इसे, शीरो से नहीं जाया जा रहा। आओ इधर आओ, चलो दोनों गुस्सा पड़ गए, जल्दी आओ जल्दी, आपने इनकी पिटाई कर दी, जल्दी जल्दी चेरू निकाल निकाल। ओए मम्मी, अरे पतोरी बता। देखिए
बारिश अभी भी आ गई है फिर से। अब कपड़े सुखाने आई थी सुबह से और अब भी फिर बारिश आ गई आज सुबह से। सुबह से क्या, रात से ही बारिश बंद नहीं है। रात शुरू हुई थी बारिश हमारे यहाँ और रात से अभी तक बारिश बंद नहीं है, इसी तरह से पड़ रही है। 10-5 मिनट के लिए रुक जाती है और फिर शुरू हो जाती है। और कपड़े देखिए, सुबह से बाल्टी भरी हुई रखी है और सुबह से लाइट भी गई हुई थी तो इस वजह से बस एक ही बाल्टी कपड़े धुले हैं दूसरे राउंड के। अब डाल के आई हूँ मैं मशीन में, अब जाके उन्हें धोऊंगी। चलिए फिर सबसे पहले मैं सुखा देती हूँ अपने कपड़े, उसके बाद फिर नीचे चल के बाकी का काम करूँगी। तो इस टाइम बज चुके हैं क्या क्या देखो देखो चेरी देखो चेरी चेरी खाने को देख के साढ़े 7 बज चुके हैं और अभी अभी हमने की है पूजा शाम की और अब मैं बनाऊंगी खाना और गणपति जी के भोग के लिए। अब इस टाइम मंगवा दिए थे मैंने रसगुल्ले। हाँ एक और ले लो, ले ले। और साथ ही साथ इस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड करूंगी। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बोलिए गणपति बप्पा मौर्या। बोल गणपति बप्पा, तेज से बोल, इतने इतने शांति से बोल रहा है।